की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, बोले पीएम मोदी। गुजरात रोजगार मेला को किया संबोधित। त्रिपुरा में सस्पेंस खत्म, माणिक साहा ही होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बदल रही रणनीति, बीजेपी की तरह कांग्रेस से दूरी, अलग मोर्चे को लेकर मिले संकेत। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का तंज, कहा बीजेपी है भ्रष्टाचार से मुक्ति की वांछित मसीह। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले लोकसभा चुनाव में होगा उलटफेर, जैसे वाजपेयी सरकार ने 2004 में साइनिंग इंडिया का प्रचार किया था। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। औरैया में 6 मार्च की रात हिंदू परंपरा के अनुसार विधि विधान पूर्वक होलिका दहन किया गया। साथ ही किस तरह से लोग होलिका दहन में शामिल होकर होलिका दहन कर रहे हैं, तो वहीं हाथों में गन्ना और जौ और चने की बालियां के साथ होलिका दहन कर रहे लोगों ने होलिका का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि वैसे तो हर त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन काशी में आज होलिका दहन किया जा रहा है। इसी परंपरा के अनुसरण करते हुए औरैया में भी होलिका दहन किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकृष्ण है। मिश्रा जी बताइए, जो होली जल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे आज होली के विषय में? होली कल जलने वाली थी, लेकिन कुछ मुहूर्त के हिसाब से आज ही जला दी गई। आज जला दी गई और कुछ दूसरा मुहूर्त 12 बजे के बाद का भी है, और कुछ लोग कल भी जलाएंगे। क्या नाम है आपका? पंकज चतुर्वेदी। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ जो होली जलाई जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज होली यहाँ 2 दिन मनाई जा रही है, क्योंकि कस्बों कस्बे आज प्रचार चलते रहे, लेकिन लोगों यहाँ आज बड़े हर्षोल्लास के साथ आज होली मनाई जा रही है, और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना था कि होली कल मनाई जाएगी, लेकिन होली आज ही जलाई गई है, और क्या कहना चाहेंगे? 5 बजे जलाई गई है काशी में, हमारे भारत माता में, भारत देश में काशी प्रसिद्ध नगरी है, वहाँ पे आज जलाई गई। उसी हिसाब से यहाँ पे सभी आचार्य लोगों ने कहा आज का दिन सुबह में होली जलाई। आपका क्या नाम है? संदीप मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? यही बिजली है, होली पकड़ लें। शाहजहांपुर में बाजारों में होली का हुड़दंग देखने को मिला। रंगों की दुकानों पर ग्राहकों की काफी भीड़ मिली। इसके अलावा रोडवेज बस स्टैंड पर भी यात्रियों की भीड़ जुटी। इस बार होली पर अलग अलग तरह के रंग और तमाम तरह के कार्टून के मुखेटे ग्राहकों की पहली पसंद रहे। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि होली के त्योहार पर जिस तरह की खरीदारी की उम्मीद थी, वैसी दुकानदारी नहीं हुई। शाहजहांपुर में होली पर्व लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम और एसपी ने पुलिस लाइन में बैठक की, जिसमें बाहर से आए पुलिस बल और स्थानीय अधिकारियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनको त्योहार और लाट साहब के जुलूस के बारे में बताया गया। बता दें कि हर साल लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए RAF से लेकर PAC को तैनात किया जाता है। बाराबंकी के दसवंतपुर प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बिना विद्यालय पहुंचे ही घरों में बैठकर वेतन उठा रहे हैं। विद्यालय में कुछ ही अध्यापक शिक्षक कार्य करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से कई बार जानकारी कराई गई, लेकिन उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं की।
फरुखाबाद में डीएम संजय कुमार सिंह ने कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आलू भंडारण में गोलमाल करने वाले कोल्ड स्टोरेज संचालक पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो वहीं डीएम को एक कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण के दौरान बड़ी कमियां मिली, जिसके बाद डीएम संजय कुमार सिंह ने कोल्ड स्टोरेज के जिम्मेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि पूरा मामला विकास खंड राजेपुर क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज का है। अलीगढ़ में 2024 के चुनावों को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में भाजपा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गांव देहात क्षेत्रों में मीटिंग का दौर शुरू हो गया, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिसको लेकर भाजपा के सांसद के नेतृत्व में बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारम्भ किया गया है। साथ ही एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। आज किस तरीके का कार्यक्रम वगैरह हुआ है? आज पार्टी संगठन की एक कार्यशाला थी। कार्यशाला में हमारे अनिता जैन जी आई हुए थे, सारे कार्यकर्ता गण, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक व्यक्ति थे सब लोग। उस कार्यशाला में सभी लोग शरीक हुए थे। हमारी पार्टी कैसी संगठनात्मक आगे बढ़े, काम छोटे से नीचे से उठ के ऊपर तक कार्यकर्ता पहुँचे और हमारे हर बूथ तक काम पहुँचे हों, पार्टी को निर्णय के लिए सब बैठ के बात। फरीदाबाद में पत्नी और बच्चों को ससुराल लेने पहुंचे युवक से सास ने पत्नी और उसके बच्चों को भेजने से इनकार कर दिया। युवक ने सास के सामने ही ब्लेड से अपनी गर्दन काट ली, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारा झगड़ा हुआ था तो इसने खूब पी रखी थी, मुझे मारा बहुत जोर जोर से और ये सारे नखून वखून मेरे गले वाले फाड़ दिए। इसकी मम्मी और मौसी आई थी, मुझे घर पर छोड़ गई। हमने कंप्लेंट दे दी है महिमा मंडल थाने में, तो उधर चल रहा था, इन लोगों के पास कल फोन वोन गया होगा, तो ये लोग आए तो है नहीं, बातचीत हमसे की नहीं। ये अब दारू पी के आया दो बार हमारे घर पर, एक बार तो हमने 112 पे कॉल की थी तो ये चला गया था। अब ये दोबारा कहीं से ब्लेड लेकर आया, मेरे माँ बाप को कह रहा था। हाँ जी, 112 फोन किया। हाँ जी, हाँ जी, एक बार चला गया पुलिस के आने के बाद। हाँ जी, फिर दोबारा आया पानी के लिए। हाँ जी, अच्छा। तो ये दोबारा से ब्लेड, मेरी बेटी थी इसके घर में, बाबूजी मैं यहाँ वीके स्टाफ से गई और मेरी लड़की इसने बहुत बुरी तरह से मारी। लड़की को मारा था? हाँ जी। अच्छा, आज से करूँ 7 दिन हो गए मेरी बेटी मेरे घर पे ही है। मैंने LLC कटाई बहुत पूरी तरह से, अभी भी दिखा दूंगी। मेरी बेटी के बहुत ज्यादा जख्म हो गए, बहुत ज्यादा खत्म करने की कोशिश कर रही थी। आज क्या हुआ? आज तो ये लेने ही आया था सर जी। कब से थी बेटी आप घर पे? मेरे घर पे है 6-7 दिन से मेरे बच्चे। अच्छा, अब मैं कह रही हूँ की इसने LLC कटी हुई है, महिमा मंडल के एप्लीकेशन भी मेरे पास है। मैं नौकरी जा तू उन्हें वो बुलाएंगे तो आदर्श नगर का है, पता नहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ नहीं पता, और उसने अपने शराब के नशे में खुद की गर्दन काट ली। तो गले के दो तरफ नसें होती हैं जो दिमाग को जाती हैं, वो नसें दोनों कट गई हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उसने ज़्यादा डीप मार लिया तो उसकी जो सांस की नली है वो भी कट गई है, तो उसमें फ्रैक्चर हो गया है। तो ये वजह से उसको रेफ़र करना पड़ा। कान नाक के डॉक्टर को बुला लिया था, दोनों ने जाँच कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी गंभीर हालत है उसकी? फिलहाल तो गंभीर ही कहेंगे उसकी, पर अभी इलाज के दौरान जो टांके वगैरह लगे हैं, बोतल चढ़ाई वगैरह जो है ग्लूकोज वगैरह से, उसको होश आ गया था। हरदोई के हरियावा इलाके में एक नवजात बच्ची का शव माइनर में मिला, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में ले लिया। पूरा मामला थाना क्षेत्र का है। तो वहीं ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि एक नवजात बच्ची का शव उत्तरा नहर माइनर में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि गैर जनपद में यह शव तैर कर आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्षेत्र हरियावा में उत्तरा में एक उत्तरा नहर माइनर है, वहाँ पे नवजात शिशु बालिका का एक शव मिला है जो बह के जा रहा था, उसको कब्जे पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये शव कहीं बाहर से फेंका गया था और बह के जा रहा था, जांच पड़ताल की जा रही है।
हरदोई में मिशन आत्म संतुष्टि के अध्येय की पूर्ति हेतु कार्यरत जन कल्याण संस्थान में जनपद कारागार में दो कैदियों की रिहाई कराई। संस्था के सचिव एवं प्रबंधक ने उनके जुर्माने की धनराशि जमा कर दोनों युवा कैदियों की रिहाई में मदद की। रिहाई के समय दोनों कैदियों ने अपराध ना करने का संकल्प लिया, जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने दोनों कैदियों को माला पहनाकर स्वागत किया और हनुमान चालीसा भेंट की। जिला कारागार हरदोई में लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। हम किसी भी ऐसे तिथि को जो हमारे राष्ट्रीय महत्व का दिन होता है, उस दिन या उसके एक दिन पहले यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो जुर्माने के बदले सजा काट रहा है, तो जनपद के अनेक संभ्रांत नागरिक, जिसमें श्री राज्यवर्धन सिंह उर्फ राजू जी हैं, इनकी मिशन संतुष्टि एक स्वयंसेवी संस्था है, इसके माध्यम से लगातार बंदियों के हित में काम कर रहे हैं। वो रिहाई का भी काम कराते हैं। जो बंदी आज जुर्माने के बदले जिला कारागार हरदोई में निरुद्ध थे, उन सभी बंदियों को मुक्त कराया गया है। मात्र दो बंदी ही निरुद्ध थे। देखिए, ये कोई बड़े अपराधी नहीं थे। ये दफा 25 में जेल काट रहे थे जुर्माने के अभाव में, और इनको पता ही नहीं कि हम किस धारा में आए थे। सामान्य धाराओं में थे, चूँकि सरकार की मंशा के अनुरूप जुर्माने के अभाव में जो बंदी बंद हैं, उनकी सामाजिक संस्थाएं या जेल परिवार के द्वारा लगातार इस तरीके कार्य किया गया। जेल अधीक्षक महोदय और हमारे जिला कारागार के जो जेलर साहब हैं, इन दोनों लोगों ने संस्थाओं से इतना सामाजिक तालमेल बढ़ाया कि हम लोग स्वतः पूछते भी रहते हैं और आप लोग बताते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग को यहाँ से हम लोग मुक्त कराएं, और इनको मुक्त कराने के बाद एक चाहते हैं कि नई जिंदगी, अच्छी जिंदगी व्यवस्थित। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।